कीमत वाले के जत्थेदार तरसदा झूठ बोले तो दूजा नु कह रहे किंतु नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता। मैं सबूत दिना कि तिना जत्थेदारों ने झूठ बोलिया है। हरिमंदर साहब के हेड ग्रंथी ने झूठ बोलिया है। जरा मैंने फतवा देना दो। सब की मौजूदगी अरदास हुई थी, अरदास करके मैं वापस आया। इन्हों को हूं वह कोई तरीका नहीं सी कि जिस ढंग मैं ये छेकना या तलब करके या तनखाइया करार देना चाहते सन कि इन्हों धमकिया दो ये आवे ना तो असं आखिए आया नहीं। वो इन्हों का वार खाली चला गया। हूँ केड़ी अजीब गल है, एक पासे वीडियो टेपा बड़ी हुई ने, टीवी आ चुका है कि मैं गया। एक घंटे बाद उस अकाल तख्त पर आके फिर जा झूठ तै पाप कोई जरूरत करे, अज तो जरूरत है जरूरत करने की। उस अकाल तख्त पर पुज के एक घंटे बाद एक गुरु की हजूरी विच तखत साहब के खलो के झूठ बोलते ने कि पांच सिंह साहबान श्री अकाल तख्त साहब से बैठे इंतजार करते रहे, यह नहीं आया। दोनों चीजा मौजूद ने, वेखन की लोड़ है, किसे कोई छुपी हुई गल नहीं, हर एक चीज के प्रूफ ने। उत्थे दूजी जड़ा चिट्ठी इशू की जिहड़ी झूठ ते आधारित सी कि असी सिंह साहबान अकाल तख्त ते बैठे इंतजार करते रहे, यह नहीं आया, इसलिए इनू तनखाइया करार दिता जांदा। वो नहीं तो इउं सी, लेकिन जबान बंद करनी है। तनखाइया करार दिता जांदा, कोई कीर्तन ना सुने, कोई इनू समा ते सहयोग ना दे, की चाहते ने। हौली जी ने लिख देना है, अच्छा जी सत्कार कायम रखना है, जथेदारों का कोई फर्ज नहीं है तख्त के सत्कार में कायम करना। क्यों सुनिए अकाल तख्त साहब जथेदार ने पत्नी कुड़ी मुंडे का नामकरण करवाया है। वड्डे मरजावा पुरशोत्तम है, दूजों को गाला कढ़ी जाते हैं, अच्छा जी जवान नहीं कोई खोल सकता, बोल नहीं सकता। तो थानू अगे आज तक किसी ने कहा नहीं, जेड़ा आया तेरे जुत्तियां झाड़ दे तेरे कौले मांग जो। मैंने कहते अखे जी फतवा मिल जाओ, मैं मंगार के कहना दो फतवा उन्होंने उसे चलूंगा, फतवा जोड़े दोगे सच बोलने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि हदा चो गोडा च मुंगे तरह जच कुछ शांत वर्गी है, सच कहूंगा किसे